हेलो दोस्तों, आज की स्टूडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फायरबोल्ट की तरफ से आने वाला बजट कॉलिंग स्मार्ट वॉच फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये एक फायरबोल्ट फीनिक्स का अपग्रेडेड मॉडल है जो साल 2022-23 का वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग स्मार्ट वॉच रहा है अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे राउंड डायल कैटेगरी में, जिसमें कि आपको इस समय अमेजोन में 42,000 से भी ज्यादा रेटिंग देखने को मिलता है। करंट प्राइस की बात करेंगे तो फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो आपको अंडर 1800 के प्राइस पॉइंट पे रिसीव हो जाएगा, जो फायरबोल्ट से ओनली 100 रुपीज के प्राइस डिफरेंस पे आपको देखने को मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम लोग इसके अनबॉक्सिंग और फीचर्स को देखने वाले हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या आपको फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो को अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे कंसीडर करना चाहिए या फिर नहीं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। मेरा नाम है रवि और आप देख रहे हैं टेक रिव्यूज। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो आपका कुछ इस तरह के पैकेजिंग ऑप्शन के साथ आता है, जिसमें कि आपको बॉक्स के फ्रंट साइड पे ही स्मार्ट वॉच का फोटो देखने को मिल जाता है, कुछ डिटेल्स भी मिल जाते हैं जैसे कि एक ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच है, इसमें आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट भी रिसीव होता है, और ये एक राउंड डायल स्मार्ट वॉच है जिसका कि साइज आपको 1.39 इंच का देखने को मिलता है। इसके बाद बॉक्स के राइट एंड लेफ्ट साइड में आपको कुछ फीचर्स देखने को मिल जाता है जिसे हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। वैसे इस स्मार्ट वॉच में आपको मेटल केस बॉडी का ऑप्शन रिसीव होता है, जो इस प्राइस पॉइंट पे ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन के साथ एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है। इसके बाद बॉक्स के बैक साइड में आपको स्मार्ट वॉच का कुछ और फीचर्स देखने को मिल जाता है जिसे भी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बॉक्स में एमआरपी आपका 11,999 का मेंशन है, जो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि क्या सच में इतना ज्यादा एमआरपी का होना जरूरी था भी। इसके बाद स्मार्ट वॉच आपका iOS 9.0 एंड अबव एंड एंड्रॉइड 5.0 एंड अबव वर्जन को सपोर्ट करता है, तो एज सच आपको स्मार्टफोन से कनेक्टिविटी में कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगा। तो जल्दी से हम लोग इसके बॉक्स को ओपन कर लेते हैं, और आप देख सकते हैं कि ये एक राउंड डायल स्मार्ट वॉच है जो कुछ इस तरह के पैकेजिंग ऑप्शन के साथ आता है। इसके बाद बॉक्स कंटेंट में आपको एक चार्जर रिसीव होता है जो मैग्नेटिक पोगो पिन कनेक्टर के साथ आता है, और दूसरे साइड में आपको यूएसबी ए टाइप देखने को मिलता है। इसके बाद बॉक्स कंटेंट में आपको यूजर मैनुअल, वाउचर, सब्सक्रिप्शन और वारंटी कार्ड रिसीव होता है, जिसे आप स्मार्ट वॉच की वारंटी इस क्यूआर कोड के हेल्प से रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं सीधा वॉच के बारे में। तो आप देख सकते हैं कि ये एक राउंड डायल स्मार्ट वॉच है जिसका कि डिस्प्ले आपको 1.39 इंच का रिसीव होता है, जो आपका मेटल बॉडी ऑप्शन और 2.5D कर्व ग्लास के साथ आता है। इसके बाद वॉच के राइट साइड में आपको एक बटन देखने को मिल जाता है, वहीं बैक साइड में आपको वॉच के सेंसर्स, चार्जिंग पॉइंट, फायरबोल्ट की ब्रांडिंग के साथ साथ एक स्पीकर और एक माइक्रोफोन का ऑप्शन भी रिसीव होता है। इसके बाद बैक साइड में आपका पॉलीकार्बोनेट बॉडी का यूज किया गया है, जो एक अच्छी क्वालिटी का फील होता है। स्ट्रैप्स की बात करेंगे तो इसमें आपको बाकी वॉचेस के तरह ही सिलिकॉन स्ट्रैप्स मिलने वाले हैं, जिसकी क्वालिटी काफी अच्छी है और आप इसे लॉन्ग टर्म यूज में ले पाएंगे। और ये एक रिप्लेसेबल स्ट्रैप्स है, तो आप चाहो तो किसी भी 20mm स्ट्रैप से इसे रिप्लेस कर सकते हो। ओवरऑल इसका डिजाइन एंड बिल्ड क्वालिटी अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे काफी सही है, जिसमें कि आपको ब्लूटूथ कॉलिंग ऑप्शन के साथ साथ मेटल की बिल्ड क्वालिटी और 2.5D कर्व ग्लास देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको वॉच को ऑन करने के लिए इस बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और आप देख सकते हैं कि हमारी वॉच ऑन हो चुकी है। इसके बाद स्मार्टफोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आपको अपने स्मार्टफोन में द फिट ऐप इंस्टॉल कर लेना है, और एप्लीकेशन के थ्रू ऐड डिवाइसेस पे जाके इसे ऐड कर लेना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी वॉच एप्लीकेशन से कनेक्ट हो चुकी है, और एप्लीकेशन में वॉच का बैटरी स्टेटस नोटिफिकेशन भी हमें देखने को मिल जाता है। इसके बाद आप ऐप के थ्रू भी वॉच फेसेस को चेंज कर पाएंगे। इसके बाद वॉच फेस गैलरी से आपको 100 प्लस वॉच फेसेस का ऑप्शन इसमें रिसीव हो जाता है। नेक्स्ट आप ऐप से नोटिफिकेशन सेक्शन में जाके किसी भी डिजायर्ड एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन को अपने वॉच में इनेबल कर सकते हैं। इसके बाद एडिशनली आपको ऐप में अलार्म सेट करने का ऑप्शन, कैमरा शटर को यूज करने का ऑप्शन मिल जाता है, साथ ही साथ आपको ऐप के थ्रू 8 फेवरेट कॉन्टैक्ट को भी सेव करने का ऑप्शन मिल जाता है। इसके बाद आपको अदर्स में काफी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जिसे आप इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं।
स्मार्ट वॉच के फीचर्स में सबसे पहले आपको डिस्प्ले में 1.39 इंच का HD डिस्प्ले रिसीव होता है, जो आता है 240x240 पिक्सल्स ऑप्शन के साथ। साथ ही साथ आप स्मार्ट वॉच के बेजल्स को भी चेक कर सकते हैं, जो कुछ इस तरह से आपको रिसीव होने वाला है। स्मार्ट वॉच के डिफॉल्ट वॉच फेसेस को चेंज करने के लिए आपको इसे टैप करना होगा और फिर स्वाइप करके अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर पाएंगे। एडिशनली अगर आपको कोई वॉच फेसेस लगाना हो तो आप ऐप के हेल्प से 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस को यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें आपको कस्टमाइजेबल वॉच फेसेस का भी ऑप्शन मिल जाता है। वॉच के UI में ऊपर से नीचे स्वैप करने के बाद आपको काफी सारे आइकन्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि कनेक्शन स्टेटस, बैटरी स्टेटस, डेट, डे, वेदर फोरकास्ट, बैटरी सेविंग, थिएटर मोड, फ्लैश लाइट, वाइब्रेशन, ब्राइटनेस कंट्रोल और सेटिंग का ऑप्शन रिसीव होता है। वहीं वॉच में नीचे से ऊपर स्वैप करने के बाद आपको नोटिफिकेशन सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर आप होम स्क्रीन से राइट टू लेफ्ट की तरफ स्वैप करोगे तो आपको स्टेप्स काउंट और वर्कआउट का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट स्वैप के बाद आपको कॉलिंग फीचर का ऑप्शन रिसीव होता है, जिसमें कि आपको रिसेंट कॉल, डायल पैड ऑप्शन और कॉन्टैक्ट को सिंक करने का ऑप्शन मिल जाता है, जिसे आप ऐप के थ्रू सिंक कर सकते हैं। रेस्ट कॉलिंग फीचर को हम लोग आगे वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्वैप में आपको AI वॉइस असिस्टेंट का ऑप्शन रिसीव होता है। इसके बाद लेफ्ट स्वैप करने के बाद आपको इसमें हार्ट रेट मॉनिटर और SPO2 मॉनिटर का ऑप्शन मिल जाता है, इसे भी हम लोग आगे वीडियो में टेस्ट करने वाले हैं। नेक्स्ट वेदर फोरकास्ट का ऑप्शन इसमें आपको रिसीव होने वाला है। उसके बाद कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल और ब्रीथ मॉनिटर का भी ऑप्शन इसमें आपको मिल जाता है। इसके बाद फायरबोल्ट के ऑफिशियल साइट के हिसाब से ये क्लेम करते हैं कि इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलने वाला है। वैसे मुझे तो इस वॉच का टच रिस्पॉन्स इस प्राइस पॉइंट पे अच्छा ही लगा है। इसके बाद होम स्क्रीन से लेफ्ट टू राइट जाने के बाद इस वॉच का डिटेल्ड ग्रिड मेन्यू आपको देखने को मिल जाता है, और अगर आप इसे बदलना चाहते हैं तो होम स्क्रीन से आपको ऊपर से नीचे स्वैप करने के बाद सेटिंग बटन पे जाना होगा और उसमें आप मेन्यू व्यू में जाके इसे चेंज कर सकते हैं लिस्ट व्यू में, जो कुछ इस तरह का आपको रिसीव होने वाला है, जिसमें कि आपको स्टेप्स काउंट, स्लीप मॉनिटर, कॉलिंग फीचर, AI वॉइस असिस्टेंट, हार्ट रेट ट्रैकिंग, ट्रेनिंग, जिसमें कि आप स्पोर्ट्स मोड को एक्सेस कर पाएंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें आपको 20 स्पोर्ट्स मोड का ऑप्शन रिसीव होता है। रेस्ट आप प्लस बटन पे टैप करके 100+ स्पोर्ट्स मोड को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें आपको SPO2 मॉनिटर, वेदर अपडेट, कैमरा एंड म्यूजिक कंट्रोल और ब्रीथ मॉनिटर के साथ साथ गेम्स का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें कि आपको वॉच में इनबिल्ट 2 गेम्स का सपोर्ट देखने को मिलता है। और लास्ट में आपको सेटिंग ऑप्शन रिसीव होता है, जिसमें कि आपको स्टॉप वॉच, अलार्म, टाइमर, मेनू स्टाइल, ब्राइटनेस कंट्रोल, फोन फीचर्स, कॉल रीसेट, वाइब्रेशन ऑन ऑफ, थिएटर मोड रीसेट, पावर ऑन ऑफ और अबाउट के साथ साथ QR कोड का भी ऑप्शन रिसीव होता है। तो सबसे पहले हम लोग इसके हार्ट रेट सेंसर को टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं इसे टैप करके स्टार्ट कर देता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये काफी क्लोज रीडिंग आपको प्रोवाइड कर पा रहा है हार्ट रेट सेंसर में। और अगर SPO2 मॉनिटर की बात करेंगे तो इसे भी हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, और जैसा कि आप देख पा रहे हैं पल्स ऑक्सीमीटर की तुलना में ये काफी क्लोज रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। वैसे ये सारी वॉचेस आपका मेडिकल इक्विपमेंट नहीं होता है, तो आप इसे बस आइडिया लेने के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हार्ट रेट सेंसर को फ्लैट सरफेस में रख के चेक करेंगे तो यहाँ पे आपको एरर का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। और सेम फ्लैट सर्फेसेस में SPO2 सेंसर को भी चेक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको अगेन एरर का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इट शोज कि वॉच के सेंसर्स काफी अच्छे तरह से काम कर रहे हैं। इसके बाद कॉलिंग फीचर को टेस्ट करने के लिए मैं एक नंबर डायल कर लेता हूं। तो जैसा कि आप सुन सकते हैं, कॉलिंग फीचर आपका कुछ इस तरह से वर्क करने वाला है। ओवरऑल फीडबैक की बात करेंगे तो फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाता है ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच में अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे, क्योंकि इसमें आपको मेटल की बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाता है, एक स्मूथ UI देखने को मिल जाता है, जैसा कि आपको
फायरबोल्ट फीनिक्स में देखने को मिलता था, पर फायरबोल्ट फीनिक्स से फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो में आपको स्लाइटली लार्जर डिस्प्ले देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपको बेजल्स वगैरह काफी कम देखने को मिलते हैं कंपैरेटिवली फायरबोल्ट फीनिक्स से। और अगर आप अंडर 2000 के प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा सा ब्लूटूथ कॉलिंग स्मार्ट वॉच ढूंढ रहे हैं एक अच्छे बिल्ड क्वालिटी के साथ, तो आपको डेफिनेटली फायरबोल्ट फीनिक्स प्रो को कंसिडर करना चाहिए। वैसे ये वॉच मेल और फीमेल दोनों के लिए ही सुटेबल है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक आपको रिसीव हो जाएगा, आप चाहो तो इसे चेकआउट कर सकते हो। सो फाइनली वीडियो अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक जरूर कर दीजिएगा, और इस वीडियो को उन लोगों से शेयर जरूर कीजिएगा जिन्हें इसका फायदा मिल सकता है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।